बीकॉम फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने इस प्रकार है, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2016 विद टर्नओवर ऑफ ₹2 लाख। फायर टेक प्लेस ऑन June 1, 2017, पीरियड ऑफ इंटरप्शन बीइंग 5 मंथ्स फ्रॉम 1 June 2017 to 1 November 2017, पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 6 मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹16,12,000 एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹24,000, सम इंश्योर्ड ₹42,240, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹2,000, स्टैंडर्ड टर्नओवर दैट इज फॉर करस्पॉन्डिंग मंथ्स ऑफ इंटरप्शन फ्रॉम 1 June to 1 November इन द ईयर प्रिसीडिंग द फायर ₹75,000, टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन ₹22,500, एनुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 June 2016 to 31 May 2017 ₹2,20,000, एडिशनल एक्सपेंसेस ₹4,000 विथ ए सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹1,500, बट फॉर दिस एडिशनल एक्सपेंडिचर द टर्नओवर आफ्टर द फायर वुड हैव बीन ओनली ₹12,500. The expenses on putting the fire out were ₹500 during year 17. Increase in turnover, both standard and annual, is expected to be 20%, and increase in GP rate is expected by 20%. Calculate amount of claim for loss of profit. लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसंबर 2016 को विक्रय ₹2,00,000 है। 1 June 2017 को आग लगी। व्यवधान काल 5 महीने, 1 June 2017 से 1 November 2017। क्षतिपूर्ति अवधि पॉलिसी के अनुसार 6 माह है। शुद्ध लाभ वर्ष 2016 के लिए ₹12,000 और बीमित स्थिर व्यय ₹24,000, बीमा राशि ₹42,240, अबीमित स्थिर व्यय ₹2,000। आग लगने से पूर्व वर्ष 1 जून से 1 नवंबर तक की बिक्री ₹75,000, व्यवधान की अवधि में बिक्री ₹22,500, वार्षिक बिक्री 1 जून 2016 से 31 मई 2017 तक ₹2,20,000, अतिरिक्त व्यय ₹4,000 और बीमित स्थायी व्यय में बचत ₹1,500। इस अतिरिक्त व्यय के कारण आग के पश्चात केवल ₹12,500 हुई बिक्री। आग बुझाने के व्यय ₹500 थे। वर्ष 2017 में बिक्री वार्षिक एवं प्रमाप दोनों में 20% वृद्धि और सकल लाभ की दर में 2% की वृद्धि की आशा है। लाभ की हानि के लिए दावे की राशि की गणना कीजिए। तो क्लास क्वेश्चन को रीड करने के बाद अब हमें उसका यहाँ पर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको स्टेप यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल। फॉर्मूला हमको मालूम है, जिस समय आग लगती है उससे कितने मंथ का पीरियड हमारा इसमें यहाँ पर बिजनेस का एडवर्सली इफेक्टेड होता है, विपरीत रूप से प्रभावित होता है। तो जून 17 को यहाँ पर आग लगी हुई है और जून 17 से लेकर के नवंबर 17 तक हमारी इसमें यहाँ पर क्षतिपूर्ति की अवधि है, जिसको हम यहाँ पर इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। इस इंडेमनिटी पीरियड में एक्चुअल सेल्स हमको यहाँ पर 22,500 ₹22,500 की दी हुई है। अब स्टेप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको इसी अवधि में लास्ट ईयर में फॉर्म के द्वारा कितना सेल्स किया गया था उसको हम यहाँ पर बेस बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर 1 July 2016 to 1 November 2016 क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर ₹75,000 का दिया हुआ है। 75 का अमाउंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस ईयर में फर्म को यहाँ पर अपनी सेल्स में 20% के एक्सपेक्टेशन का अनुमान है। तो इसमें हमको यहाँ पर 20% ऐड करना है, जो ₹15,000 हमारे सामने आता है। तो इस तरह से 90,000 की सेल्स इस ईयर में फर्म को होने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल में ड्यूटी फायर आग लगने की वजह से यहाँ पर फर्म का जो
एक्चुअल टर्नओवर इस इंटरप्शन पीरियड में रहा है, जिसको हम यहाँ पर इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं, 22,500 रुपये रहा। तो अमाउंट ऑफ शेयर शॉर्ट सेल हमें यहाँ पर 67,500 की रिसीव होती है। तो इस तरह से स्टेप वन में हमने यहाँ पर अमाउंट ऑफ शेयर सेल को कैलकुलेट किया। शॉर्ट सेल को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर स्टेप टू के अंदर जीपी रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इंटू 100 होता है। तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का 12,000 रुपये दिया हुआ है। ये प्रॉफिट हमको यहाँ पर क्वेश्चन में से देखना है, जो आपको इस तरह दे रखा है 12,000 रुपये। उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जितने स्टैंडिंग चार्जेस का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उसको इसमें आपको जोड़ना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में 24,000 है। फिर हमें इनको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर की सेल्स से। तो प्रीवियस ईयर की सेल्स हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 2,00,000 रुपये गिवन है। तो इस तरह से हमारा जो जीपी रेशियो है वो 18% का इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें एक हिंट गिवन है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2017 के अंदर ग्रोस प्रॉफिट 2% से बढ़ने वाला था। तो ग्रोस प्रॉफिट हमको यहाँ पर 18% स्टेप टू से प्राप्त होता है, जिसमें आपको यहाँ पर 2% जोड़ना है। तो ग्रोस प्रॉफिट फॉर ईयर 2017 हमारे सामने यहाँ पर 20% का आता है। स्टेप वन और स्टेप टू कैलकुलेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर स्टेप थ्री को कैलकुलेट करना है। स्टेप थ्री का अमाउंट हमको यहाँ पर इस तरह से निकालना है, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स हमें स्टेप वन में 67,500 की रिसीव होती है इंटू जीपी रेशियो, अभी हमने यहाँ पर स्टेप टू में कैलकुलेट किया है, जो कि हमारे सामने 20% आता है। तो इस तरह से आपने स्टेप थर्ड के अंदर लॉस ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट किया, जो 13,500 रुपये कैलकुलेट होता है। तो क्लास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आगे की स्टेप फॉलो करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर 4,000 के दिए हुए हैं। आग लगने की वजह से फॉर्म को यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर और इनकर्ड करने पड़े, जिसका अमाउंट आपको 4,000 रुपये दिया हुआ है। तो यदि क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक स्टेप अलग से फॉलो करनी होती है, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं फोर्थ स्टेप। इस फोर्थ स्टेप में हमें एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना क्लेम पास होगा, उसके लिए तीन अमाउंट में कंपैरिजन करना है। इन तीनों में जो लेसर अमाउंट होगा वो हमारे लिए यहाँ पर एक तरह से बेस ईयर बेस फिगर का काम करेगा। तो देखिए, एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम पास करने के लिए अब हमें कंपैरिजन कौन कौन से अमाउंट में करना होगा। तो सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 4,000 रुपये गिवन है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड थ्रू एडिशनल एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर बी के अंदर हमें यहाँ पर ये कवर करना है कि इस एक्चुअल एक्सपेंडिचर की वजह से फर्म को जो सेल्स हुई है, स्पेशल इस एक्चुअल एक्सपेंडिचर की वजह से फर्म को कितनी एडिशनल सेल्स होती है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि इस एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर 4,000 रुपये की वजह से हमको कितनी सेल्स अतिरिक्त होती है। तो आप देखिए, 4,000 रुपये फर्म ने यहाँ पर अतिरिक्त एक्सपेंडिचर एडिशनल एक्सपेंडिचर के इनकर्ड किए थे, जिसकी वजह से 12,500 रुपये की फर्म को यहाँ पर बिक्री होती है। तो अब हमें यहाँ पर इस 12,500 के ऊपर जीपी रेट को अप्लाई करना है, जो कि हमारे सामने है 20%। तो अमाउंट हमारे लिए आता है इसमें यहाँ पर 12,000 का 12,500 का 20%, दैट इज ₹2,500। तो पॉइंट बी के अंदर हमको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड थ्रू एडिशनल एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन करना है। पॉइंट नंबर सी,
एक फॉर्मूला हमारे सामने है जो आपको लर्न करना है, एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस अप्लाई करना है। तो 4,000 रुपये हमारे यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर है, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 12,000 रुपये गिवन है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपको यहाँ पर 24,000 गिवन है। डिवाइड करेंगे आप इसको 12,000 नेट प्रॉफिट से और ऑल स्टैंडिंग चार्जेस 26,000। अब ये 26 का अमाउंट हमारे सामने कैसे आता है, तो क्वेश्चन में आप देखिए फॉर्म के द्वारा 24,000 का फिक्स एक्सपेंडिचर किया गया था जिसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और फॉर्म के द्वारा 2,000 रुपये का एक्सपेंडिचर और किया हुआ है जिसका इंश्योरेंस फॉर्म ने नहीं किया हुआ है। तो 24,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ₹2,000 अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमको टोटल स्टैंडिंग चार्जेस प्राप्त हो जाते हैं। पॉइंट नंबर ए बी सी तीनों में हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, ₹4,000, ₹2,500, ₹3,790, इन्हीं तीनों में जो लेसर अमाउंट होता है वो हमारे लिए स्टेप फोर का एक तरह से बेस बनता है। तो तीनों में लेसर अमाउंट हमारे यहाँ पर 2,500 रुपये आता है, 2,500 रुपये, 2,500। इसके बाद अब हमें इस अमाउंट में से वह अमाउंट माइनस करना है जो हमारे लिए एक तरह से सेविंग है। तो आप क्वेश्चन में देखिए 4,000 रुपये फॉर्म के द्वारा एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए गए थे जिसकी वजह से 1,500 रुपये फॉर्म के बच गए थे, तो वो 1,500 की सेविंग आपको फाइनली यहाँ से माइनस करनी है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर का अमाउंट ₹1,000 रिसीव होता है जिसका हम यहाँ पर क्लेम पास करवाने वाले हैं। तो स्टेप नंबर फोर हमारी यहाँ पर एक तरह से एडिशनल स्टेप है जो आपको केवल उसी केस में फॉलो करनी है जब आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल एक्सपेंडिचर के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो उस समय आपको पॉइंट नंबर ए बी सी इन तीनों में कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद आपको एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है। स्टेप फोर को सॉल्व करने के बाद फिर अब हम यहाँ पर स्टेप फोर की तरफ आते हैं, फाइव की तरफ आते हैं। स्टेप फाइव में हमें यहाँ पर पॉलिसी टू बी टेकन का अमाउंट कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, और फॉर्मूला हमारे सामने है, आग लगने से तुरंत पहले के 12 महीने की सेल्स हमको यहाँ पर बेस बनानी होती है जिसको हम देखते हैं, जो हमारे सामने आती है 2,20,000 रुपये। इस साल सेल्स में 20% की एक्सपेक्टेशन है इंक्रीज होने की जिसको आपने ऐड किया, तो एडजस्टेड टर्नओवर आपका आता है 2,64,000 रुपये, जिसके ऊपर आप जीपी रेट को अप्लाई करते हैं तो आपको पॉलिसी टू बी टेकन 52,800 रिसीव होती है। पॉलिसी टू बी टेकन को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर फाइनल स्टेप फॉलो करनी है जिसमें हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें यहाँ पर कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट हमारे सामने 13,500 रुपये आया हुआ था। एडिशनल एक्सपेंडिचर की जो स्टेप हमने यहाँ पर अलग से अप्लाई की है उसमें 1,000 रुपये का क्लेम हम यहाँ पर पास कराने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के 14,500 का क्लेम हम यहाँ पर पास करवाने वाले हैं। अब लास्ट फॉर्मूला हमारा इसमें होता है अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू पॉलिसी टेकन बाय फर्म अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। तो 14,500 रुपये का हमारे यहाँ पर टोटल अमाउंट आता है और फर्म के द्वारा 42,240 की पॉलिसी यहाँ पर ली हुई है, एंड उसको हमने डिवाइड किया है कि पॉलिसी टू बी टेकन की फर्म को कितनी पॉलिसी लेना चाहिए था। तो इस तरह से 11,600 रुपये का हमारा क्लेम का अमाउंट आता है। क्वेश्चन में स्पेशल एक इन्फॉर्मेशन हमको बाद में दे रखी है कि आग को बुझाने के लिए फर्म को ₹500 का और खर्चा करना पड़ा था, तो इस अमाउंट को हमको फाइनल अमाउंट अमाउंट ऑफ क्लेम में ऐड करना है जिससे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम 12,100 रुपये प्राप्त होता है। तो क्लास इस तरह से हमने यहाँ पर 5 से लेकर 6 स्टेप में
अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट किया है। एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आप स्टेप वन के अंदर शॉर्ट सेल कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमको मालूम है यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर में इंडेमनिटी पीरियड के दौरान फॉर्म के द्वारा कितनी सेल्स की गई, 75,000। उसमें इंक्रीज को हमने ऐड किया 15,000 रुपये, 90,000 में से फिर हमने यहाँ पर एक्चुअल सेल्स जो इंडेमनिटी पीरियड में हमको होती है उसको माइनस किया, शॉर्ट सेल हमारे सामने आती है 67,500। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। 18% का आपका जीपी रेशियो आता है, उसमें इस ईयर में आपको 2% की वृद्धि होने की संभावना है, उसको आपको ऐड करना है। तो जीपी रेशियो आपका आता है 20% आता है। इस जीपी रेशियो को अब हमें यहाँ पर स्टेप वन के अंदर अप्लाई करना है, जिससे हमको लॉस ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट गेन होता है ₹13,500। इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, इसलिए एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा फॉलो करनी है। एडिशनल एक्सपेंडिचर वाले केस में आपको तीन अमाउंट में कंपैरिजन करना होता है, और इन तीनों में जो लेसर अमाउंट है वो हमारे लिए क्लेम के लिए बेस माना जाता है। तो तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, तीनों में आपने कंपैरिजन किया, 4,000, 2,500, 3,790। इन तीनों में जो लेसर अमाउंट था उसको आपने बेस बनाया 2,500 रुपये, इसमें से आपने 1,500 रुपये को माइनस किया हुआ है। ये 1,500 रुपये एडिशनल एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी सेविंग के रूप में आए थे, इसलिए उसको माइनस करना जरूरी है। तो नेट अमाउंट आपका आता है एडिशनल एक्सपेंडिचर का 1,000। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको पॉलिसी टू बी टेकन का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने है कि जिस दिन हमारे फॉर्म के अंदर आग लगती है उसके जस्ट पहले की 12 मंथ की सेल्स को आपको लेना है, जो 220 आती है। इसके अंदर आपको इंक्रीज को ऐड करना है और उसके ऊपर आपको जीपी रेशियो अप्लाई करना है, तो हमें पॉलिसी टू बी टेकन 52,500 रिसीव होती है। लास्ट स्टेप में अब हमको यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हमारा थर्ड स्टेप के अंदर आया था 13,500 रुपये, एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम आपको पास करना है 1,000 का, टोटल अमाउंट आपका आता है 14,500। फॉर्मूला हमारे सामने है, 14,500 इंटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन, तो 14,500 इंटू 42,240 अपॉन 52,800, 11,600 रुपये का आपका क्लेम यहाँ पर आने वाला है। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस आपके द्वारा आग को बुझाने के ऊपर किए गए हैं, इसलिए उस अमाउंट को भी आपको अपने क्लेम के अंदर ऐड करना है। तो टोटल क्लेम आपका 12,100 रुपये आता है। थैंक यू वेरी मच।